देखें कि ये जो यूक्रेन का मसला है, मैं तो इंटरनेशनल मीडिया खासकर ये सीएनएन, फॉक्स न्यूज, एमएसएनबीसी देख के, या डीडब्ल्यू या बाकी इंटरनेशनल चैनल्स देख के ये लग रहा है कि अमेरिका जो है वो यूक्रेन में जंग कराए ही कराए, जो मेरी असेसमेंट है, जो माहौल देख रहा है। बल्कि मैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट को कह रहा था, वो कह रहा था कि ये जो पैनिक है ये सबसे बड़ा दुश्मन है, पैनिक ना फैलाएं। लेकिन माहौल यहाँ पे इस तरह का है कि शायद लग रहा है कि जंग हो जानी है, और जर्मनी पीछे हट रहा है, रशिया असर्ट कर रहा है। आप कैसे देखते हैं अमेरिका इतनी जंगें करने के बाद, क्या आप समझते हैं अमेरिकन अदारों के अंदर मजीद ताकत है जंग करने की, या वो समझते हैं कि जो रशियन है वो इतने एग्रेसिव हैं कि अमेरिका को असर्ट करना पड़ेगा और अपने इंटरनेशनल रोल एस्टेब्लिश करना पड़ेगा? अमेरिका जो है यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी के अंदर मिला जुला रिस्पॉन्ड है। चीमा साहब, कुछ अमेरिकन ये वॉशिंगटन डीसी में समझते हैं कि सिर्फ आज तक अमेरिका ने ही जंगों में पैसा खर्च किया है और जापान, जर्मनी और यूरोप को हम डिफेंस कर करके फिलिपाइन का हम थक चुके हैं और इससे हमारी इकॉनमी पे भी असर है, तो इसलिए इनको चाइना और रशिया को वॉर्स के अंदर धकेला जाए ताकि हमें कैचअप टाइम मिले, ताकि इनकी इकॉनमीज भी खराब हो। एक तो ग्रुप ये सोचता है। दूसरा जो है, मेरे ख्याल में इस वक्त अगर मुझसे पूछें तो अमेरिका भागने में, दुम दबा के भागने के एक्सपर्ट हो चुके हैं। जिस तरीके से अफगानिस्तान से ये भागे हैं, मुझे जनरल मिली की अगले दिन स्टेटमेंट आई, जो उन्होंने कहा जी, पहले उन्होंने स्पेकुलेट किया कि 72 आवर्स में कीव गिर जाएगा और 25,000 अमवात होंगी यूक्रेन आर्मी की। अच्छा, मैं सोच रहा था कि आपका अपनी असेसमेंट तालिबान के बारे में तो ठीक नहीं थी, इनको क्यों एडवाइस कर रहे हो भी आप? वो आप कहते थे जी वो हफ्ते बाद, महीने बाद आएंगे तालिबान, वो उससे पहले आ गए थे। उसके बाद जनरल मिली साहब ने एक स्टेटमेंट कल परसों के, अब एक्साइटेड ये है कि सारे अमेरिकन 48 आवर्स में निकल जाए वहां से, तो वो बिल्कुल घंटों के हिसाब से दाखिल होने वाले हैं। और उसमें इसमें अमेरिका वीक नजर आ रहा है, इनके एलाइज उनको छोड़ चुके हैं, जर्मनी, फ्रांस और यूक्रेन, रशिया चारों मिलके बात कर रहे हैं। इस वक्त यूरोपियन एलाइज यूरोप का हल खुद ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बाइडन साहब जो हैं उनके पास कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है। चीमा साहब, मेरा जो जो इंतहाई अफसोसनाक बात यह है कि बाइडन साहब शिकागो, न्यूयॉर्क, बाल्टीमोर में अमेरिकन सिटीजन तो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, ये यूक्रेन को किस तरह प्रोटेक्ट करेंगे? ये तो मर्दे बीमार है। जितने बाइडन साहब जयीफ हो चुके हैं, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की सोचें भी जयीफ हो चुकी हैं, क्योंकि इनकी टोटल इस वक्त जोर जो है, अगले दिन एक मैं रिपब्लिकन सेनेटर की बात सुन रहा था, वो कह रहा था कि कम्युनिज्म को, चाइनीज पार्टी को इतना उससे फैंटेसाइज किया जा रहा है कम्युनिज्म को, कि अमेरिका जल्दी से जल्दी सोशलिस्ट और कम्युनिज्म की तरफ चला जाए। आप सोच नहीं सकते, डिफेंस इस वक्त ना तो डेमोक्रेट पार्टी का के मैंडेट का हिस्सा होता है डिफेंस और पेंटागन, और ना ही विल है इस वक्त। बिल्कुल बराक ओबामा के अजीज सारे गवर्नमेंट को चला रहे हैं, और आपने अगर इनको समझना हो तो बराक ओबामा की देख लें, अपोलोजेटिक गवर्नमेंट थी, ईरान को पैसे दिए जा रहे थे, एंटी इजराइल थे और जंगों के खिलाफ थे, मुसलमानों के भी खिलाफ थे। आप उसको अंदाजा लगा लें तो आपको बिल्कुल नजर आ जाएगा जो कुछ वो थे। आप वेंडी शर्मन देख लें, आप टोनी ब्लिंकन देख लें, ये सारे ओबामा पीरियड की पैदावार है, और वही इस वक्त सारे शॉट्स जो है वो कॉल कर रहे हैं। यूक्रेन को तो इन्होंने बिल्कुल अबेंडन कर दिया, ट्राई कर रहे हैं कि रशिया वहां आए और फंसे वार में आके, लेकिन पुतिन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर जिसकी ट्रेनिंग केजीबी ने की है, और वो उसको पता है कि व्हाट इज देयर स्ट्रेंथ एंड व्हाट आर देयर वीकनेस। मेरे ख्याल में जिस तरीके से नेटो को वो आगे से थ्रेट कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने क्रेमिया को टेक ओवर किया, जिस तरीके से उन्होंने सीरिया में जाके नेवल बेस बनाई, मेरे ख्याल में दे हैव देयर अपर हैंड। चलिए लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि ये सिचुएशन बड़ी डेलिकेट है, और जिस तरह वेस्टर्न मीडिया इसको पोर्ट्रे कर रहा है और पैनिक नजर आ रही है तो एलाइज के अंदर इसका फ्यूचर में पता। थैंक यू। और यूक्रेन की तो आप क्या देखते हैं कि किस किस्म की सिचुएशन है, क्या अटैक होने जा रहा है, और क्या क्या इससे दुनिया को कोई कोई सबक मिलेगा या कोई नुकसान होगा, कुछ रोका जा सकता है? देखिए, 1952 से प्रेसिडेंट आइजनहावर जब छोड़ रहे थे अपनी गद्दी शरीफ, तो उनकी एक स्पीच है, फेयरवेल स्पीच 10 मिनट की थी, जिसमें उन्होंने अमेरिकन्स को वार्न किया कि ये माफिया जो है
इनका नेटवर्क ऐसा है कि इनकी प्रोडक्शन फैक्ट्रीज हर कांग्रेसमैन के डिस्ट्रिक्ट में लगी हुई हैं. एंड ही सेड बीवेयर ऑफ द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स. आज अमेरिका में वही चलता है जो रूलिंग क्लास जो एस्टेब्लिशमेंट है वो चाहे. ट्रंप जो था लोग कहते हैं बड़ा राइट विंग था, वो इस मामले के अंदर वो इसीलिए हटाया गया ना कि वो तो सबको अपनी बेवकूफी में नंगा कर देता था कि क्या हो रहा. लेकिन आपके पास बड़े बड़े फिलोसोफर आके वो दिखा के गए थे इराक का क्या कह रहे थे, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, याद है यूएन के अंदर ये सब के सब दे स्पीक फॉर व्हाट दे आर पेड टू स्पीक. अब इस वक्त यूक्रेन में आपके बाइडेन के बेटे का ठेका है, उसके चाइना में भी है, दोनों से चल रहा है, दोनों की दलाली कमा रहा है एक प्रेसिडेंट का बेटा. और यूनाइटेड स्टेट्स का मकसद है कि ये अफगानिस्तान में भागना पड़ा, अब यहां बंदूक है बारूद है ये तक तो बेचना ना, ये कहां जाएगा? वो जो फैक्ट्रियां की अमेरिका की हैं वो बना के उसको क्या गोडाउन में रखेंगे? वो भी तो कह रहे हैं भाई कहते हैं बमबारी कराओ ताकि ये मिसाइल इस्तेमाल हो. तो दैट इज व्हाट दे आर डूइंग. एंड आप देखिए कि यूक्रेन का प्रेसिडेंट कह रहा है कि कोई ऐसा मसला नहीं, 3 सालों से इनकी 1 लाख ट्रूप्स होती हैं, और वो कह रहे हैं कि आप यहां कैसे आए, रूस की फौज रूस में है और यूक्रेन में बर्तानिया पोलैंड अमरीका दुनिया भर का कचरा वहां उलट दिया गया, 500 इसके सोल्जर 500 उसके सोल्जर. और यूक्रेन को समझिए, बाय द वे यूक्रेन में 2 शहर ऐसे हैं जिनके मेयर पाकिस्तानी है, ये ढूंढ लीजिएगा कहीं. यूक्रेन के यहां वेस्टर्न साइड इज कैथलिक एंड द ईस्टर्न पार्ट जो डनबास का एरिया है वो है रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के. तो जो अमेरिका जो रूस ने जो एरिया ईस्टर्न यूक्रेन में जब बगावत हुई 2014 में अगेंस्ट द वेस्टर्न कैथलिक पार्ट ऑफ द कंट्री, डोंबास का एरिया था और ये क्राइमिया बाय द वे वहां सारे तातर रहते थे मुसलमान, क्राइमियन टार्टर्स को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डिपोर्ट किया गया था सब. क्यों? हमारा तो काम ही है ना, वो कोलैबोरेटर हम बन गए नाजीज के. तो दे वर टेकन एंड डिपोर्टेड एंड सेंट टू द ईस्टर्न फ्रंटियर. तो क्राइमिया टुडे वाज पार्ट ऑफ रशिया एट दैट टाइम, बट बिकॉज द पीपल ऑफ क्राइमिया फॉट अगेंस्ट द नाजीज एंड दे वर यूक्रेनियंस, तो रूस जो मॉस्को था उन्होंने यूक्रेन को एज अ प्रेजेंट ऐसे ही समझे, नॉर्थ कराची को दे दिया प्रेजेंट मलीर को, क्योंकि एक ही कंट्री था ना. सो दिस पार्ट ऑफ यूक्रेन वॉज हैंडेड ओवर एज अ प्रेजेंट टू यूक्रेन फ्रॉम रशिया. ये रशिया ने अपना वापस लिया है क्राइमिया का पेनिनसुला और सब कुछ. लेकिन अमरीकियों की जो एक्सपर्टीज है इन हाउ दे एक्सप्रेस देयर एंगर एंड ड्रामाबाजी जो चलती है कि ये मिनिस्टर उससे कर रहा, वो हुआ वहां पे कि रूस का या यूक्रेन का तो कोई बोलने वाला आता ही नहीं है कहीं. जब भी आता है ऐसी जबान बोल रहा होता है आपको तो नहीं समझ में आ रहा, ये इंग्लिश में बोल रहे हैं सारी बात. एंड देयर विल बी नो वॉर ओवर देयर एक्सेप्ट दैट द अमेरिकन्स विल बी एबल टू सेल आर्मामेंट्स एंड डिप्लॉय ट्रूप्स. रूस तो अपनी बॉर्डर में है ना, ये जर्मनी और पोलैंड ये सब तो अपने बॉर्डर से बाहर है. लेकिन आप 90% लोगों से पूछेंगे उनको समझ में नहीं आएगा कि रूस क्यों कर रहा है. अरे रूस तो अपने मुल्क में बैठा हुआ. आप यूक्रेन से पूछिए कि उसके पास क्यों फौज आई हुई है पोलैंड की और जर्मनी की और फ्रांस की और ब्रिटेन की. तो इट इज वन ऑफ द ग्रेट मॉडर्न डे सब्जेक्ट्स दैट विल बी स्टडीड लेटर ऑन हाउ यूएस इंपीरियलिज्म वर्क्स. लेकिन यूएस आपको नहीं लग रहा कि कुछ कमजोर हो गया पहले के मुकाबले में? जैसे पहले बड़ा एक सुपर पावर है और समझा जाता था, अब अफगानिस्तान से भी निकलना पड़ा है, बाकी जगह भी जो नया प्रेसिडेंट आया है वो भी इनका तरह कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा. नाम से भी निकले थे, उसमें क्या बात है, निकलने की क्या बात है, थूक करके चले जाए आप
बैठे नहीं थे कोरिया के अंदर, जापान में आप थे, आप पूरा लैटिन अमेरिका में 25 दफा तो मिलिट्री कू कराया इन्होंने। ये बनाना रिपब्लिक जो टर्म है ये लैटिन अमेरिका से ही आती है ना, कि सही अटैक करना था ग्रेनाडा को, फौज गिर गई कहीं और, तो आपकी फौज भी भर्ती होती इस चक्कर में कि इंजीनियरिंग की डिग्री मिल जाएगी, 200 हो जाएगा, वेट सर्विसेज मिलेंगी, ये सब है। कोई वो जोश तो नहीं है कि 9/11 वालों को देख लेंगे। अमेरिका में किसी को पता ही नहीं, आजकल याद ही नहीं है 9/11 हुआ कब था, उसमें फिल्म बनी है नहीं, फिल्म नहीं बनी। अच्छा फिर हमें याद नहीं है पर्ल हार्बर का बताओ, पर्ल हार्बर क्योंकि फिल्में बहुत बनी इसे एवरीबॉडी नोज है। सो ऐसे नहीं है कि बहुत तुर्रम खान लोग बैठे हुए वहां। अब वहां अल्ट्रा राइट जो घुसी है जैसे कैनेडा के अंदर, और हर जगह ट्रकों की बारात चल रही है, ये वो एक्सप्रेशन है अल्ट्रा राइट विंग रिलीजियस मजहब में डूबे हुए, अल्लाह इन्हीं के साथ है बाकी कुछ नहीं है, बिल्कुल वही यानी अंग्रेजी बोलने वाले मौलवी हैं सारे, जो मिड स्टेट लेवल रेडनेक जिसे कहा जाता है।